दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और इसको कैसे मैनेज करते हैं दोस्तों जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं फ्री में आपको एटीएम कार्ड मिलता है आप इसे किसी भी एटीएम में जा कर के विथड्रावल कर सकते हैं वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं इस अकाउंट को आप गूगल पे फ़ोनपे पे, पेटीएम आप किसी भी में यूज कर सकते हैं और दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एयरटेल का ही सिम होना चाहिए अगर आप जियो के कस्टमर हैं वी के कस्टमर हैं तभी आप एयरटेल में अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो आपको कैसे अकाउंट को ओपन करना है मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूं तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए आपको क्या करना है एयरटेल थैंक्स ऐप यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही आप ओपन पर क्लिक कर देते हैं आपको यहाँ से अलाउ कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिल कर देना है जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है वही मोबाइल नंबर आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओ भेज दिया गया है तो आपको इसमें ओ को फिल कर देना है यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ओ आ गया है और यहाँ पर ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है अलाउ करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ से वॉलेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा उसके बाद ही आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कर पाएंगे तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर गेट वॉलेट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है तो आपको क्या करना है गेट वॉलेट पर सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही आप गेट वॉलेट पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है जो आपका फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम जो आपके आधार पर आई प्रूफ पर फर्स्ट नेम है वही फर्स्ट नेम आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद जो आपका लास्ट नेम है लास्ट नेम आपको फिल कर देना है उसके बाद जो आपका डेट ऑफ़ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जो आपका ईमेल आईडी ईमेल आईडी ई आई यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ गया है उसके बाद जो आपका पिन कोड है पिन कोड आपको आपका देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है अगर आपका यहाँ पर पिन कोड नहीं आ रहा है तो आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट आईडी प्रूफ यहाँ से आप क्या देना चाहते हैं तो यहाँ से आप आधार कार्ड वोटर आई कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट आप जो भी देना चाहते हैं आपको उस पर सेलेक्ट कर लेना तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड देने वाला हूँ तो आधार कार्ड पर सिलेक्ट कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर को फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन पर टिक कर देना है उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपको पूरा डिटेल अच्छे से फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोर डिजिट का यहाँ पर एम पिन पिन बनाना है आपको यहाँ पर पिन को फिल कर लेना है पिन फिलअप करने के बाद डन पर यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी आ गया है इसमें ओटीपी को फिल कर लेना है ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल्ली यहाँ पर जो आपका वॉलेट है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंग्रेचुलेसन यहाँ पर लिख के आ जाता है आप देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लोर पर सिंपली क्लिक कर देना है उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉलेट की लिमिट है नौ हज़ार रुपये है आप इस वॉलेट में नौ हजार रुपये रख सकते हैं और उससे आप अगर मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं किसी को पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक्सप्लोर पर सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही आप एक्सप्लोर पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका वॉलेट है क्रिएट हो गया है यहाँ पर एड मनी आ जाता है तो आप यहाँ से एडल मनी पर क्लिक करके आप यहाँ से यूज कर सकते हैं उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है अपग्रेड अकाउंट ऐसे ही आप अपग्रेड अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ से के करना होगा उसके लिए देख सकते हैं जो आपका आधार नंबर है अपने आधार नंबर को इसमें फिल कर देना है उसके बाद जो आपका पैन नंबर है अपने पैन नंबर को इसमें फिल कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर, पर ओके कर देना है उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओ जाएगा तो आपको इसमें ओ को फिल कर देना है टीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है के सामने जो आधार कार्ड की डिटेल है यहाँ पर डिटेल आ जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं वो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं तीन स्टेप में आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपको स्क्रोल करके ऊपर आना है ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देना है तो उसके लिए जो आपका आप फादर का नेम है अपने फादर का नेम इसमें फिल कर देना है उसके बाद आपके मदर का नेम फिल कर देना है उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड पर क्लिक कर देना है अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको अनमैरिड पर क्लिक कर देना है उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी ईमेल आईडी को इसमें फिल कर देना है और देख सकते हैं आप क्या करते हैं एग्रीकल्चर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं या होम मेकर हैं स्टूडेंट हैं सैलरीड हैं आप जो भी हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल इनकम फिल कर देनी है कि आप यहाँ से कितना कमाते हैं आपका कितना इनकम है आपको यहाँ से फिल कर देना है फिल करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस अगर आप उसी एड्रेस पर सेम एड्रेस पर अगर आप रहते हैं तो आपको यहाँ पर एस कर देना है और अगर आप सेम एड्रेस पर नहीं रहते तो आपको नो करके के यहाँ से जो आपका एड्रेस है अपने एड्रेस को फिल कर देना है तो हम यहाँ पर सेम एड्रेस पर रहते हैं तो हम यहाँ पर एस कर देते हैं जैसे आप यहाँ पर अगर सेम एड्रेस पर रहते हैं तो आपका जो ए कार्ड है इसी एड्रेस पर आएगा और अगर आप सेम एड्रेस पर नहीं रहते हैं जो आपका आधार कार्ड एड्रेस है तो आपको नो पर क्लिक करके आपको वहाँ का एड्रेस फिल कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सेम एड्रेस पर रहता हूँ तो यहाँ पर सेम पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है सही है सबमिट पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर जो आपका नोमनी का डिटेल है नोमनी डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा उसके लिए आप देख सकते हैं जो आपका नॉमिनी है अगर आप घर में ही किसी का करना चाहते हैं डिटेल का मतलब है कि अगर आप नोमिनी डिटेल को फिल कर देते हैं तो इस अकाउंट में जो भी पैसा अगर आप किसी वजह से नहीं रहते हैं तो आपका जो पैसा नॉमिनी को दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर नॉमिनी फिल नहीं करते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा इसके लिए आप नॉमिनी को यहाँ पर जरूर से ज़रूर ऐड करें उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर जो नॉमिनी का नेम है नॉमिनी का नेम आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद जो सेलेक्ट नॉमिनी रिलेशन है आप वहाँ से वाइफ फादर मदर आप जिसका भी यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर नॉमिनी एड्रेस अगर आपके ही एड्रेस पर सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पर एस कर देना है अगर आपका सेम एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर जो हाउस या फ्लैट नंबर आपको फिल कर देना है लोकेटी फिल कर देना है पिन कोड फिल कर देना है यहाँ पर स्टेट फिल कर देना है सिटी फिल कर देना है सब कुछ आपको फिल कर देना है और अगर नोमिनी एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है आपको सब कुछ अच्छे से फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा अब हमें इसे एक्टिवेट करना होगा एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर हमें वीडियो के करना होता है तो वीडियो के करते समय दो तीन बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले जब भी आप वीडियो के करेंगे तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए एक पेन और एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए ताकि हम सिग्नेचर करके उनको दिखा सकें वीडियो के करने का टाइम टेबल होता है सुबह आठ बजे से रात को ग्यारह बजे तक आप ग्यारह बजे के बाद नहीं कर सकते और आप आठ बजे से पहले नहीं कर सकते आपको आठ बजे के बाद और ग्यारह बजे से पहले आपको करना होगा इसी बीच में जब भी आप वीडियो के करते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लोग मांगेंगे तो आप वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं आपका वहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा उसके बाद आपका वहाँ पर सिग्नेचर करके देखेंगे तो आप वहाँ पर इजली अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं आप यहाँ पर अगर आपका सब कुछ रेडी रहता है और आप वीडियो डी के के लिए आप यहाँ पर रेडी रहते हैं तो आपको यहाँ पर सेचुअल नाव पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सेचुअल नाव पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप वीडियो के के लिए अभी तैयार हैं भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसके बाद आप यहाँ पर नाव पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप नाव पर क्लिक करेंगे तो हमें परमिशन मांगेगा कैमरा अलाउ करने का और उसके बाद लोकेशन अलाउ करने का तो हम वहाँ पर से सब कुछ अलाउ कर देंगे जैसे ही आप वहाँ पर अलाउ कर देंगे उसके बाद वीडियो कॉल लग जाएगा वहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक पर उसके बाद बैंक की तरफ से कोई भी बात करेगा हमें और हमारा फेस देखेगा उसके बाद जो हमारा आईडी हमारा आईडी देखेगा फिर सिग्नेचर करा के देखेगा अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा कभी कभी आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा पाँच मिनट दस मिनट का समय लग सकता है क्योंकि अगर वो दूसरी कॉल पर व्यस्त रहेंगे अब दूसरे का के हो रहा होगा तो आपका थोड़ा सा लेट के होगा जब उनका कर लेंगे तो आपका के होगा तो आप इस तरह घर बैठे ही अपने मोबाइल से वीडियो के के माध्यम से एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप गूगल पे फोनपे पेटीएम आप सभी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री में ए मिलता है आप उसका फ्री में ए यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक में यूज करेंगे वो हर जगह काम करता है आप बिल्कुल इजीली उसको यूज कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलाइकन प्रेस कर दें